हेलो गाइस जी, आज हम बात करेंगे फ्रेशर फोरमैन सुपरवाइज़र क्या है, क्या उनको क्या काम करना पड़ेगा, उनको क्या टैलेंट होना चाहिए और उन लोग को कैसे जॉब मिलेगा। सही है, फ्रेशर जो फोरमैन सुपरवाइज़र है तो जो अपना अपना मुल्क में, जो भी कंट्री में जो आदमी लोग है और वो लोग फोरमैन में या सुपरवाइज़र में काम करने के लिए चाहता है, अपना मुल्क में काम किया है कोई भी प्रोजेक्ट में या कोई भी कंपनी में, या कोई नहीं भी किया है, जस्ट अपना क्लास कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट करके वो इधर रूम पे बैठा है और कहीं भी काम स्टार्ट नहीं किया, तो वो लोग चाहता है कि गल्फ कंट्री में डायरेक्ट आके काम करने के लिए, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सही है, तो फोरमैन सुपरवाइज़र जो होता है लगभग सेम पोजीशन होता है, सेम पोस्ट होता है। सुपरवाइज़र को थोड़ा सा कंप्यूटर का सिस्टम में थोड़ा काम रहता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बाकी नॉर्मली फोरमैन का जो भी काम है सब उनको करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। तो वो सुपरवाइज़र और फोरमैन में हर कंपनी में ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, लगभग सेम है। सही है, तो आप लोग चाहे तो फोरमैन या सुपरवाइज़र जो जिसमें भी आप आ सकता है। सही है, सैलरी भी सेम लगभग रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी उसमें बहुत ज़्यादा है इसमें बहुत कम है। फोरमैन सुपरवाइज़र बोलेगा तो कई कई कंपनी में तो सुपरवाइज़र है नहीं, फोरमैन ही सब कुछ है, कई कई कंपनी में फोरमैन नहीं रखता है, सुपरवाइज़र ही सब कुछ है। सही है, आदमी को लेके कंस्ट्रक्शन में काम कराने का है और अपना प्लानिंग बनाने का है, मटेरियल टेकअप लेने का है, तो बाकी सब कुछ अरेंजमेंट करके प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है। सही है, तो सबसे पहले क्या है कि फोरमैन और सुपरवाइज़र में आप आने के लिए आपका पास जो फ्रेशर आदमी है, जो फ्रेशर बिल्कुल गल्फ में काम नहीं किया, तो उनका पास डिप्लोमा या बीटेक बहुत ज़रूरी है। जब बीटेक और डिप्लोमा आपका पास नहीं होगा, आपको कोई भी कंपनी आपको सुपरवाइज़र या फोरमैन में नहीं लेकर आएगा। सही है, गल्फ कंट्री में आपको कोई भी कंपनी आपको जॉब देने के लिए आपका पास पहले आपका स्किल्ड अच्छा होना चाहिए, टैलेंट आपका क्या है उसको इंटरव्यू में वो जांच कर लेगा, उसके बाद उसका कंपनी में आपको ज़रूरत है तो फिर आपको लेकर आएगा। सही है, तो आपका पास ये होना चाहिए कि आपका पढ़ाई का साथ साथ, आपका स्किल्ड का साथ साथ, आपका काम का एक्सपीरियंस भी थोड़ा होना चाहिए। अपना मुल्क में कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन में या कोई भी कंपनी में आपको जाके काम करके थोड़ा जानकारी प्रैक्टिकल ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ाना चाहिए, तो आपको आसान हो जाएगा इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए। लेकिन जिसका पास नहीं है, जो उधर काम नहीं किया है और करना भी नहीं चाहता है, कि चाहता है कि मैं बाहर में एक बार गल्फ जाऊँगा, उधर ही काम करूँगा, उधर ही सीखूँगा और उधर ही सुपरवाइज़र इंजीनियर में बनूँगा, तो वो भी ठीक है, वो आ सकता है। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, जल्दी आना है, जिसको थोड़ा टाइम है कि मेरे को सुपरवाइज़र में ही जाना है, मेरे को सुपरवाइज़र का पूरा एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को सुपरवाइज़र फोरमैन के लिए हर चीज़ मालूम है, वो आदमी क्या करना है, तो आपको जल्दी आना है, तो फिर आपको टेक्नीशियन का थ्रू आपको आएगा। तो बहुत सारे कंपनी में टेक्नीशियन को जल्दी वीसा मिलता है, टेक्नीशियन लेवल में जल्दी लेकर आता है, कि वो देखता है कि एक सुपरवाइज़र लेवल का आदमी, उसको मेरे को टेक्नीशियन का सैलरी देना है, तो टेक्नीशियन में वो जल्दी ले लेता है। तो वो उस स्टेज में क्या होता है कि आपको जल्दी आपको जॉब मिल जाता है। इधर आने के बाद फिर आपको क्या करता है कि आपको देखता है वो आप सुपरवाइज़र लेवल का आदमी है, आपको भले टेक्नीशियन लेवल में लेकर आया लेकिन टेक्नीशियन का काम नहीं देगा, आपको टीम लीडर या फोरमैन का काम देगा, लेकिन सैलरी वही रहेगा, पोजीशन थोड़ा अच्छा रहेगा, कि आपको काम करना नहीं पड़ेगा, सबको काम कराना पड़ेगा या थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आप काम करना पड़ेगा अभी, तो उसके बाद में आपको काम नहीं दिएगा। क्यों, कोई भी कंपनी देखेगा एक इंजीनियर या एक सुपरवाइज़र को मैं कैसे लेबर का टेक्नीशियन का काम दूँ। सही है, तो इसके लिए आपको वो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, जल्दी आना है तो टेक्नीशियन थ्रू आना है। आपको थोड़ा ऐसा नहीं है कि मेरे को जल्दी नहीं है, मेरे को सुपरवाइज़र फोरमैन में जाना है तो जितना टाइम लगेगा तो मैं इंतज़ार करूँगा, तो फिर आपको वो हिसाब से आपको 10-12 कंपनी, 10-12 ऑफिस का साथ कनेक्ट रखिए, जिस वजह से जब उनका इंटरव्यू आएगा तो वो आपको बताएगा या आपको बुलाएगा उधर जाकर आप इंटरव्यू देने के लिए। सही है, नहीं तो आपका पास पैसा है कि वो एक बार विजिट आने के लिए 1 लाख से ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, आपको इधर आने का, वीसा लेने का, रहने का, खाने का और डेली गाड़ी में हर कंपनी का ऑफिस में जाके उधर इंटरव्यू करने का जो भी खर्चा रहेगा, तो उसका ऊपर आपको 1 लाख से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इंडियन मनी। सही है, तो इसके लिए आपको, आपका पास पैसा है तो आप डायरेक्ट आ जाइए, आपका पास टैलेंट है, आपका पास ग्रेजुएशन है और आपका पास बीटेक है, तो आप क्या कर सकता है कि आप डायरेक्ट इधर विजिट में आके भी इधर कोई भी कंपनी में जॉब ले सकता है, सुपरवाइज़र का या इंजीनियर का या फोरमैन का, जो भी आपका टैलेंट होगा। सही है, आपको वहाँ से आना है जो पूरा फ्रेशर है, बिल्कुल किधर काम नहीं किया, जस्ट उनका अभी पढ़ाई ख़त्म हो गया है और वो चाहता है कि डायरेक्ट मैं गल्फ कंट्री में जाऊँ, वहाँ काम सीखूँ, वहाँ काम करूँ, तो मेरा हिसाब से टेक्नीशियन पोस्ट में आ जाइए, आपको जल्दी भी कंपनी ले लेगा। और टेक्नीशियन पोस्ट में आने के बाद आपको इधर काम करके 6 महीने में आपको सब कुछ मालूम जब हो जाएगा, तो कंपनी भी ऐसा ही आपको, आपका प्रमोशन करेगा कि थोड़ा ऊपर लेवल में, क्यों आपका पास इतना टैलेंट है, आप एजुकेटेड है, तो उसको वो हिसाब से वो काम देगा, जो आपको फिर 1 साल 2 साल के बाद आपको सुपरवाइज़र का
पोजीशन मिल जाएगा और सुपरवाइज़र का सैलरी मिल जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन में आने का टाइम आपको कितना सैलरी आए मिलेगा ये आप लोग पूछेगा, आपका मन में डाउट होगा कि हम टेक्नीशियन में जाएंगे कोई बात नहीं है लेकिन हमको सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी जो भी टेक्नीशियन इधर आता है फ्रेशर वाला उसको 1000 का अंदर मिलता है, 1000 दिरहम जो यहां का है और इंडिया का 20000 है। उसका बाद में ओवर टाइम चलेगा तो और वो 200-300 कमा सकता है। और खाने के लिए जो होता है ना, कई कई कंपनी खाने के लिए 200-300 देता है, कई कई कंपनी भी नहीं देता है, उसी का अंदर आपको फूडिंग अलाउंस भी सब कुछ मिला के उसमें ही देता है। सही है, ये होता है नया फ्रेशर टेक्नीशियन लेवल का सैलरी। और जो टेक्नीशियन को एक्सपीरियंस है, गल्फ में 5 साल काम करके गया है या उनका पास बीटेक या डिप्लोमा है, तो वो आदमी को फिर ज़्यादा सैलरी मिलेगा 1800। वही टेक्नीशियन में आएगा भी फिर भी उनको 1800-2000-2500 तक सैलरी मिलेगा। और जो आदमी का पास बिल्कुल नहीं है, जो नया आदमी है, बीटेक भी नहीं किया है या डिप्लोमा नहीं है, आईटीआई नहीं है और फ्रेशर आना चाहता है इलेक्ट्रिशियन में या कोई भी पोजीशन में, जो मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का एसी टेक्नीशियन हो या डक्टमैन हो या प्लम्बर हो, वो लेवल में आना चाहता है तो फिर वो आ सकता है। लेकिन उनको टेक्नीशियन में आना बहुत चांस कम रहता है, क्यों, जब आपका पास कुछ स्किल्ड कुछ नहीं है, आपका पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, आईटीआई डिप्लोमा जो भी है, तो उसका बाद में आपको कोई भी कंपनी डायरेक्ट फर्स्ट टाइम आपको टेक्नीशियन में भी लेना थोड़ा मुश्किल करेगा। तो आपका इंटरव्यू होने के बाद वो इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो हिसाब से वो सिलेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी आप असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन या असिस्टेंट टेक्नीशियन में आप आ सकते हैं। सही है, तो असिस्टेंट टेक्नीशियन का क्या होता है कि सैलरी थोड़ा कम रहता है, जैसे टेक्नीशियन का 1000 में बोला तो असिस्टेंट टेक्नीशियन का 700-800 दिरहम सैलरी मिलेगा। सही है, प्लस ओवर टाइम अलग है, फूड अलाउंस भी अलग रहेगा। तो यही है कि फ्रेशर जो फोरमैन सुपरवाइज़र उनको आना है तो इधर यही हिसाब से आ सकता है, आपको समझ आया होगा। और आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा नहीं है कि आप आ गया कंपनी में तो आपका ऊपर पहाड़ डाल देगा, पहाड़ जैसा काम, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी काम देगा, पहले आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो सीनियर सुपरवाइज़र होएगा या साइट इंजीनियर होएगा वो आपको हर चीज़ के बारे में समझा देगा। और बाकी जो आपका टीम पे जो एक टीम बनेगा उसमें जो टेक्नीशियन हेल्पर सर्जेंट लोग रहेगा वो भी आप लोग को आपको सपोर्ट करेगा कि हमारा फोरमैन नया आया है, सुपरवाइज़र नया आया है, वो भी आप उनका साथ अच्छा से थोड़ा सा रिलेशन रखेगा, अच्छा से बातचीत करेगा, तो वो भी आपको इतना प्रेशर नहीं डालेगा, हर काम वो लोग खुद करके चला जाएगा, सिर्फ आपको देखना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। सही है, उसके बाद आप 4-6 महीने करने के बाद आपको खुद सब समझ आ जाएगा, तो उसके बाद में आप अपना काम अपना हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यही होता है फोरमैन या सुपरवाइज़र का काम। उसका बाद में आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आना चाहता है तो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, टेक्निकल के ऊपर टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो कोई कोई कंपनी लेके आ जाता है लेकिन ज़्यादातर कंपनी जो गल्फ में काम नहीं किया उनको फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में सुपरवाइज़र में नहीं लेता है, टेक्नीशियन में लेता है। सही है, तो आपको चाहे तो आप टेक्नीशियन में आके फिर इधर आके आप काम सीखने के बाद 6 महीने 1 साल के बाद फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी इधर ले जाएगा, इधर का यहाँ का जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद फिर आप कोई भी कंपनी में जाएगा आपको सुपरवाइज़र में इजीली आपको जॉब मिल जाएगा और अच्छा सैलरी में 5000-6000 दिरहम सैलरी मिलेगा जो हमारा 1 लाख दिरहम से भी ज़्यादा है इंडिया का। सही है, तो यही है प्रोसेस। आप फ्रेशर सुपरवाइज़र फोरमैन जो आना चाहता है तो आप लोग आ सकता है, आके यहाँ काम अच्छा से आपका कंपनी में आप सेटिंग भी हो सकता है और उसका बाद में भी आपको धीरे 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 आपको और नॉलेज बढ़ जाएगा, और नॉलेज मिल जाएगा, और जानकारी मिल जाएगा। आप खाली एक टाइम आप आ जाइए, उसके बाद खुद का खुद आपको समझ आ जाएगा, मेरे को और ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेशर जो भी फोरमैन सुपरवाइज़र आना चाहता है तो आप लोग आ सकता है। यही जो मैं बोला, यही जो स्टेप बोला, जो मैं लेवल बोला, इसी लेवल इसी स्टेप थ्रू आप आ सकता है। और आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहता है, वहाँ जो ऑफिस होता है बाहर कंट्री भेजने के लिए, गल्फ कंट्री भेजने के लिए, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। नहीं तो आपका पास पैसा है ज़्यादा और आप विजिट में भी आ सकते हैं। लेकिन जो आदमी को गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग विजिट में आता है तो ज़्यादातर आदमी को जॉब नहीं मिलता है, क्यों, उनको सुपरवाइज़र फोरमैन का पोजीशन में जॉब नहीं मिलता है, तो फिर वो लोग चाहे तो इधर टेक्नीशियन में पोजीशन में जा सकता है। लेकिन जब अपना पास इतना बीटेक है, इतना हम लोग इतना साल पढ़ाई किया, उसमें टाइम दिया, इतना सब जानकारी है, तो आदमी को क्या होता है कि टेक्नीशियन लेवल में काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक बार आप करेगा उसका बाद में धीरे धीरे आपका आगे आगे रास्ता खुल जाएगा, तो फिर आप जो भी आपको जो दिल में है वो आपको मिल जाएगा। सही है, तो चलिए छोटा सा वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था, क्योंकि मैं व्हाट्सअप से बहुत रिप्लाई दिया तो इसके लिए मैं सोचा कि कितना सारा आदमी को रिप्लाई दूँ तो एक वीडियो अपलोड कर दूँ तो सब लोग को समझ आ जाएगा। सही है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।